ने एक किया था प्रोजेक्ट टाइगर। आपके चार प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। तो लेट्स डू द प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है? इन 1992, अब एक सवाल पहला ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्रोजेक्ट एलिफेंट तब तैयार हुआ और उसके पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट हुए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट, लायन, क्रोकोडाइल। इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, इसको आप सीरीज में आप बनाइए कि काल क्रम के बढ़ते हुए कि कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद हुआ। तो ये चार प्रोजेक्ट आपके हो गए जो कब कब शुरू हुए, और अगर आप इसके ईयर्स याद रख पाएंगे तभी आप कर पाएंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ और उनकी सीरीज क्या है, उनका कालक्रम क्या है। जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है स्टार्ट हुआ 1992 में। किसने स्टार्ट किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। किसके अंदर में? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो पहला क्या हुआ? 1992, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। हमने प्रोजेक्ट टाइगर के क्लास में पहले ही बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट संविधान की किस अनुसूची में, आप याद करिए, ये अक्सर एग्जाम में आया करता है। अब इसका पर्पस क्यों प्रोवाइड किया? वाई वाई द प्रोजेक्ट टाइगर वॉज सॉरी वाई द प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च इन 1992 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट। वाई टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट किसको? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एफर्ट्स। टू प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ एंड मैनेजमेंट एफर्ट बाय स्टेट फॉर देयर। इसके एक एक शब्द का ध्यान दीजिए। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एफर्ट्स बाय स्टेट्स फॉर देयर फ्री रेंजिंग पॉपुलेशंस ऑफ वाइल्ड एशियन एलिफेंट। वाइल्ड एशियन एलिफेंट। अब सी द होल सेंटेंस आई एम अगेन रिकॉन्स्ट्रक्टिंग कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1992 में क्यों आरंभ किया गया, किसने आरंभ किया और क्यों आरंभ किया। जो हम लोग बचपन में एक सवाल पढ़ते थे, क्या क्यों कैसे, वही आप यहां अप्लाई करिए। तो प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन 1992 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। इस शब्द को याद रखिए, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। इट इज नॉट ओनली फॉर द एलिफेंट। फर्स्ट इश्यू यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। एफर्ट्स बाय स्टेट्स, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एफर्ट्स बाय द स्टेट्स। जो राज्य के अपने प्रयास है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के, उसको सपोर्ट करने के लिए, फॉर
रेंजिंग पॉपुलेशंस ऑफ वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स, जो राज्य सरकारें पूरे वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को कर रही हैं उसको सपोर्ट किया जाए, ताकि जो फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन है एलिफेंट्स के हाथियों की उस पर कार्य हो सके। तो इस प्रोजेक्ट का एम क्या था? व्हाट इज द एम ऑफ द प्रोजेक्ट? एम इस प्रोजेक्ट का एम क्या था? व्हाट वाज द एम ऑफ द प्रोजेक्ट? इट वाज द इंश्योर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट। देखिए अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी इसमें कुछ मिसिंग है। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट। अब अगला आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन देयर नेचुरल हैबिटेट। आपके प्रदेश का सवाल में ऐसे ही आपसे गलत कहते हैं, इन देयर नेचुरल हैबिटेट, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट बाई प्रोटेक्टिंग। अब यहां देखिए, बाई प्रोटेक्टिंग जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है कैसे करोगे? बाई प्रोटेक्टिंग देम। कैसे? देयर हैबिटाट एंड मिटिगेशन कोडोर। अभी हिंदी कर दूंगा, जस्ट वेट। जी, इस प्रोजेक्ट एलिफेंट का एम क्या है? पहली चीज, देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट का एम क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ द प्रोजेक्ट एलिफेंट? यह लॉन्च क्यों किया गया? इसका एम क्या है? टू इंश्योर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, एक लंबे समय तक इनके सर्वाइवल के लिए, जो एलिफेंट की पॉपुलेशन इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जो उनका प्राकृतिक निवास स्थल है, उसके लिए। तो जो इनका मेन गोल था, इनको कि उनके हैबिटाट में जहां वो रहते हैं वहां पर लॉन्ग टर्म वो सर्वाइवल कर सके, ये हो गया पहला। इट इज द फर्स्ट एम। द सेकेंड एम, सेकेंड द अदर गोल प्रोजेक्ट एलिफेंट का, रिसर्च ऑफ द इकोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ एलिफेंट क्रिएटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एलिफेंट। रिसर्च ऑफ इकोलॉजी, जो इकोलॉजी है उस पर रिसर्च करना, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ एलिफेंट। अगर ये ए बी करके लिख देंगे तो आपसे गलत हो जाएगा। इकोलॉजी की रिसर्च करना मैंने, और कहते हैं एलिफेंट का मैनेजमेंट करना। तीसरा, क्रिएटिंग अवेयरनेस, लोगों के बीच इस बात की जागरूकता फैलाना, जागरूकता फैलाना, खासकर किस बात की? अवेयरनेस ऑफ कंजर्वेशन। लोगों के बीच कंजर्वेशन की अवेयरनेस, इसको लोकल, मैं एक एक चीज बात, एक चीज रोक रोक इसको लिखा हो ताकि आपको अंतर पता चले, लोकल पीपुल। लेकिन द अवेयर कंजर्वेशन, जो अवेयरनेस कंजर्वेशन की अमंग लोकल पीपुल, प्रोवाइडिंग इम्प्रूव वेटरनरी केयर। चौथा, प्रोवाइडिंग इम्प्रूव वेटरनरी केयर फॉर कैप्टिव एलिफेंट।
आप क्या हो गया आपका आंसर, कि जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है, सॉरी सॉरी सॉरी, जो हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंट है, इसके क्या क्या गुण हो गए? तो हमने कितने लिखे? मैं फिर से देता हूँ, प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च 1992 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट। पर्पस क्या था? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इफर्ट्स बाय स्टेट्स फॉर द फ्री रेंजिंग पॉपुलेशंस ऑफ वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोजेक्ट एम्स टू इंश्योर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टार, फर्स्ट क्या मैंने लिखा था? लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, द फर्स्ट पॉइंट। तो क्या हो गया आपको? प्रीलिम्स का सवाल बनाइए, प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च क्यों किया गया? तो पहला पॉइंट क्या हो गया? इट वॉज लॉन्च टू इंश्योर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। पहला क्या है वो? लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, नेचुरल हैबिटेट, इतना लिखे उससे क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नेचुरल हैबिटेट। तो पहली पॉइंट क्या हो गया? द प्रोजेक्ट का पर्पस क्या हो गया? टू इंश्योर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स बाय प्रोटेक्टिंग देम देयर हैबिटेट्स एंड मिटिगेशन फॉर दोस। तो इन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए उनके नेचुरल हैबिटेट्स को आप प्रोटेक्ट करें ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे। दूसरा, रिसर्च, सेकेंड पॉइंट, रिसर्च ऑफ इकोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ एलिफेंट्स। तीसरा, क्रिएटिंग अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना, क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ द कंजर्वेशन एमंग लोकल पीपल, जो स्थानीय निवासी हैं उनके बीच जागरूकता फैलाना कि हमारे लिए हाथी क्यों महत्वपूर्ण है, एंड प्रोवाइड इम्प्रूव्ड वेटनरी केयर फॉर कैप्टिव एलिफेंट्स। क्लियर? इसको हम दूसरों शब्दों, हम इसको दूसरे शब्दों, किसी बात को हम, चलिए इसी बात में लैंग्वेज चेंज करते हैं, सो दैट यू कैन हैव यू कैन अंडरस्टैंड इन द अदर वे ऑल्सो। लो लेट्स सी इन द अदर लैंग्वेज द सेम थिंग, प्रोजेक्ट एलिफेंट, सेम थिंग बोल रहा हूं, बस आई एम चेंजिंग लैंग्वेज। द प्रोजेक्ट एलिफेंट इज द गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव इन इंडिया एम्ड एट कंजर्वेशन। प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। यही तो बात है ना, बस हमने भाषा चेंज कर दी, कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है इट इज ए गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव इन इंडिया एम एट द कंजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ द एलिफेंट्स एंड देयर हैबिटेट्स कॉरिडोर्स, इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स, इंश्योरिंग वेलफेयर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स। क्लियर? यह लॉन्च कब किया गया? इट वॉज लॉन्च इन 1992 बाय द मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये क्यों किया गया, उसका पर्पस क्या था? कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भारत सरकार थी, इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग कंसर्न, उसमें ग्रोइंग कंसर्न हुआ करता अबाउट द डिक्लाइनिंग एलिफेंट पॉपुलेशन। दो रीजन थे 1992 में इसको लॉन्च क्यों किया गया, व्हाई इट हैज बीन लॉन्च 1992। फर्स्ट, डिक्लाइनिंग एलिफेंट
पॉपुलेशन, सेकेंड मैन, एनिमल, कॉन्फ्लिक्ट। अब अगर ध्यान दें तो यह जो दो ऑब्जेक्टिव है, आप कहते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट के, इस सब में है, ये लायन में भी है, ये टाइगर में भी है, ये एलिफेंट में भी है, ये क्रोकोडाइल में भी आएंगे। तो दो महत्वपूर्ण रीजन क्या थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कंसर्न था डिक्लाइनिंग एलिफेंट पॉपुलेशन एंड जो इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन मैन एनिमल, एलिफेंट और ह्यूमन एक्टिविटीज के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। अब इसी को हम थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट्स। लेट्स सी ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट्स, लेट्स सी ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट्स। आपके लक्ष्य क्या थे और आपको प्राप्त क्या हुआ? पहला क्या हुआ है, एलिफेंट पॉपुलेशन। देखिए एक ही चीज बार बार घूम के आ रही है, अगर आप ध्यान देंगे इस लेक्चर बाद आप सब याद आ जाएगा। जो इंक्रीज कंजर्वेशन इफर्ट हुआ इंडिया में, जो इंक्रीज कंजर्वेशन इफर्ट हुआ, अगर उसके कारण देखिए इंडिया में एलिफेंट की पॉपुलेशन बढ़ी। अगर आप आंकड़े देखिए, यू सी द डेटा, देन इंडिया इज होम टू अराउंड 60% ऑफ द ग्लोबल एलिफेंट, 60%। इंडिया विश्व के 60% हाथियों को अपने साथ रखता है, अपने देश के भीतर रखता है। इंडिया इज होम टू अराउंड 60% ऑफ द ग्लोबल एलिफेंट, जो अक्रॉस कहाँ कहाँ है, सदर्न और नॉर्थ ईस्ट रीजन, सदर्न नॉर्थ ईस्ट रीजन, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न रीजन। दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन। ये दोनों फर्क देखिएगा, पहला क्या था एलिफेंट पॉप, दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट। तो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी उसको रोकने के लिए, दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। द प्राइमरी गोल क्या है इस प्रोजेक्ट का, इज टू इंश्योर लॉन्ग, इसको आप याद करिए, द प्राइमरी गोल ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट, व्हाट इज दिस, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द इंडियन एलिफेंट पॉपुलेशन एंड इट्स हैबिटेट्स। दो चीज है, पॉपुलेशन हाथी की वो भी बची रहे और उसका नेचुरल हैबिटेट सुरक्षित रहे। तो दी आर टू ऑफ ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट एलिफेंट, आई एम अगेन रिपीटिंग, टू इंश्योर दैट आर टू ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट, टू इंश्योर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ इंडियन एलिफेंट पॉपुलेशन एंड इट्स हैबिटेट एंड पॉपुलेशन एंड हैबिटेट, उनका निवास स्थान और उसकी जनसंख्या, उनका प्राकृतिक निवास स्थान उनकी जनसंख्या, दोनों की सुरक्षा को इंश्योर करना, यह महत्वपूर्ण कार्य था इसका। अब यह इन्वॉल्व क्या, अब यह जो आपने जो ट्विन ऑब्जेक्टिव दिया, दिस इन्वॉल्व्स इंप्लीमेंटिंग मेजर्स टू काउंटर वेरियस थ्रेट्स। अब थ्रेड्स कौन कौन से हैं, हैबिटेट लॉस, पोचिंग, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अदर एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स। तो इस बात को समझने के लिए कि उनके हैबिटेट को या एलिफेंट को नुकसान किस किस चीज से, चार चीजों के, नंबर वन हैबिटेट लॉस, अगर हाथी की जनसंख्या कम हो रही है, इफ वी आर लूजिंग द एलिफेंट, वन ऑफ द मेन रीजन द हैबिटेट लॉस, जहां पर जिनका प्राकृतिक निवास स्थल है वह कम हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है। सेकेंड पोचिंग, हम चाहे टाइगर को देखें, हम एलिफेंट को देखें, हम लायन को देखें, पोचिंग हो रही है, उनको हम मार रहे हैं। तीसरा ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, उसको कम करना। चौथा अदर एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स, और जो नैसर्गिक, जो
विज्ञान के और जो कारण है होते। अब कैसे करेंगे? कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग। किसी भी कार्य को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कैपेसिटी बिल्डिंग। आप चाहे जिस कार्य को करें, अगर किसी कार्य को आप, जैसे आपको सिविल सेवा में सिलेक्ट होना है, उसमें आप क्या करेंगे? आप अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। तो कैपेसिटी बिल्डिंग कैसी होगी? तो अगला सवाल हो गया, ये आपके मेंस का भी है, इंटरव्यू में इस बार 2023 के एग्जाम के इंटरव्यू में ये सवाल काफी चल रहा है कि जो जिन जिन लोगों का एनवायरमेंट से कोई संबंध रहा है, जिन लोग कहते हैं बॉटनी के रहे हैं, और जनरल भी पूछा जा रहा है कि आप अपने देश में एनिमल की, जो आपके टाइगर है, एलिफेंट है, पॉपुलेशन को कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, तो कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होगी? ट्रेनिंग, फॉरेस्ट वर्कर्स। अब आप इसको जोड़िए, जो एक प्रधानमंत्री ने एक चीता के लिए कॉन्सेप्ट दिया था, चीता मित्र का। अब याद करिए, जब प्रधानमंत्री ने चीता को भेजा था जंगलों में, जो अफ्रीका से मंगाया था, कुरु ऐसा में, तो उनका चीता मित्र, चीता मित्र है क्या? यही है, यस, दिस इज द चीता मित्र। ट्रेनिंग फॉरेस्ट वर्कर्स एंड रेजिडेंट्स, जो लोग वहां पे रहते हैं उनको ट्रेनिंग करना, फॉरेस्ट वर्कर्स की, रेजिडेंट्स की, एंड अदर स्टेक होल्डर्स। फॉरेस्ट वर्कर्स की, रेजिडेंट्स की और अदर स्टेक होल्डर्स की ट्रेनिंग करना। किस पर? किस पर ट्रेनिंग? और एलिफेंट कंजर्वेशन। भाई ट्रेनिंग किसके करोगे आप? ऑन एलिफेंट कंजर्वेशन, एलिफेंट के कंजर्वेशन पर इनकी ट्रेनिंग करना। दूसरी बात, मैनेजमेंट प्रैक्टिस, सेकेंड एंड नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट प्रैक्टिस, सेकेंड इज द मैनेजमेंट प्रैक्टिस। किस बात की मैनेजमेंट प्रैक्टिस? मैनेजमेंट प्रैक्टिस इस बात की कि हम कैसे हाथी के पूरे इकोसिस्टम को मैनेज करें। यह एक की कंपोनेंट है प्रोजेक्ट एलिफेंट कैपेसिटी बिल्डिंग स्ट्रेटजी का। तो सवाल क्या हो गया? व्हाट इज द स्ट्रेटजी ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द प्रोजेक्ट एलिफेंट? आंसर क्या हो गया? ट्रेनिंग टू फॉरेस्ट वर्कर्स, रेजिडेंट्स, स्टेक होल्डर्स ऑन एलिफेंट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस, यह सबसे महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, सेकेंड, ये होगा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, मिटिगेटिंग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, मिटिगेटिंग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, जो ह्यूमन और एलिफेंट का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट इसका एम है इस बात को एड्रेस किया जाए, इस बात को एड्रेस किया जाए कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कैसे कब हो, हाउ टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। तो ऐसे मेजर्स को इंप्लीमेंट किया जाए, जैसे क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरियर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरियर्स, कंस्ट्रक्शन आप बैरियर बनावे ताकि ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में एक डिवाइडिंग लाइन बन जाए। दूसरा, अर्ली वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम। जब भी एलिफेंट आपके सीमा में प्रवेश कर रहे हो, एक वार्निंग आ जाए। तीसरा, कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन, कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन। किस बात का? किस बात का इंटरवेंशन? कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन किस बात का हो? टू रिड्यूस निगेटिव इंटरेक्शंस बिटवीन एलिफेंट्स,
इस बात का, इस बात पे इंटरवेंशन किया जाए कि नेगेटिव इंटरवेंशन जो हो रहा है बिटवीन एनी फ्रेंड्स वो ना हो, हाथियों के बीच आपस में लड़ाई झगड़े को कम हो, आपस में संघर्ष करके वो खत्म ना हो, यह इनका एक महत्वपूर्ण हो गया। तो क्या हो गया, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, तो आप कॉन्फ्लिक्ट को कम करें। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को आप 4 पॉइंट, मैं इसी ऑब्जेक्टिव को 4 पॉइंट बताता हूं आपको, सेम चीज को, टू प्रोटेक्ट, पहली चीज क्या हो गई, सेम चीज है आपकी 4 पॉइंट। ऑब्जेक्टिव क्या हुआ एलिफेंट का, प्रोटेक्ट एलिफेंट देयर हैबिटेट, दूसरा एड्रेस इश्यू ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, तीसरा वेलफेयर ऑफ द कैप्टिव एलिफेंट्स, चौथा टू प्रमोट नॉट टू हार्म एलिफेंट्स फॉर देयर टस्क, उनके हाथी दांत के लिए उनको आप, उनको आप हमला न करें। तो जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, 1992 में स्टार्ट हुई है, यह हमारे इकोलॉजी हुई है, इसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए थे। तो जो प्रोजेक्ट एलिफेंट हुआ, थ्रू द प्रोजेक्ट एलिफेंट स्कीम गवर्नमेंट ने क्या करने की कोशिश की, गवर्नमेंट ने हेल्प किया इन द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द एलिफेंट टू द स्टेट्स हैविंग वाइल्ड एलिफेंट्स इन ए फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड प्रोजेक्ट टाइगर दो सिग्निफिकेंट कंजर्वेटिव इनिशिएटिव इंडिया के हैं, तो जो इन दोनों इनिशिएटिव को, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, वो इंडिया के इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हैं। इन टू, इन दोनों इनिशिएटिव को मर्ज कर दिया गया, इट हैज बीन मर्ज, इन दोनों इनिशिएटिव को मर्ज कर दिया, उसको क्या नाम दिया गया, प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिविजन का नाम दिया गया प्रोजेक्ट। अब यही सवाल में आपके ऑप्शन में, आपके जो एबीसीडी ऑप्शन बनाते हैं उसमें एक ऑप्शन ये डाल दें कि प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड प्रोजेक्ट टाइगर हैज बीन मर्ज एज प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट हैज नेवर बीन मर्ज, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट टाइगर हैज बीन स्टार्टेड आफ्टर प्रोजेक्ट एलिफेंट, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट टाइगर हैज बीन स्टार्टेड बिफोर प्रोजेक्ट एलिफेंट। देखिए यही सवाल गलत हो जाएगा, मैं बार बार आपको इस बात को आगाह करता हूं कि अब कुछ के सवालों का जो समय है जा चुका है, अब सवालों के पूछने की प्रक्रिया बदल चुकी है। अभी हाल में प्रोजेक्ट टाइगर का 50वां वर्ष प्रधानमंत्री ने मनाया था, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने के अंतर्गत ये आते हैं, और अभी हाल में प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50वें वर्ष की वर्षगांठ को मनाया था और बहुत प्रसन्नता जारी की। अब आई प्री का सवाल, दिया जो हमने लेक्चर दिया इसी पर प्री का सवाल बना देते हैं, हु स्टार्टेड प्रोजेक्ट एलिफेंट, सवाल क्या हो गया, हु स्टार्टेड प्रोजेक्ट एलिफेंट, ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी यूनियन स्टेट गवर्नमेंट बोथ, ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशंस। आंसर क्या हुआ, प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1992 एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, विथ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, टू प्रोटेक्ट देयर एलिफेंट एंड देयर हैबिटेट्स, देयर कॉरिडोर्स एंड टू एड्रेस द इश्यू ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। अगला सवाल, हाउ मेनी एलिफेंट, जो हमारा हमने कल पढ़ा था नेशनल पार्क एंड सेंचुरी ऋतु, हाउ मेनी एलिफेंट प्रिजर्व, भारत में कितने एलिफेंट प्रिजर्व हैं, कितने एलिफेंट हैं जो
जो इनफैक्ट रिजर्व्स भारत में कितने हैं और इन एलिफेंट रिजर्व को किन किन राज्यों में बनाया गया है। तो एक पहली बात क्या है एलिफेंट रिजर्व, दूसरा सवाल एलिफेंट टाइगर एलिफेंट कितने एलिफेंट रिजर्व इंडिया में है और कौन कौन से ऐसे रिजर्व हैं जहां पे एलिफेंट टाइगर बहुत रहते हैं, जहां पे एलिफेंट लायन और एलिफेंट लायन बहुत रहते हैं। तो जो एलिफेंट रिजर्व्स हैं आर ओवरलैप विद टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रिजर्व फॉरेस्ट विच आर प्रोटेक्टेड अंडर वंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। एक सवाल है आप लोग लिखिए, ये सवाल आपके न्यूज में कभी आ सकता है। जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन, किसी बहुत बड़े आदमी का कोट है, व्हेन आई वाज रिसर्चिंग फॉर यू दिस टॉपिक आई गॉट जस्ट यू जस्ट नोट डाउन, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन आई लर्न इज दैट देयर आर नो वॉल्स बिटवीन ह्यूमंस एंड एलिफेंट्स एक्सेप्ट दोज वी पुट अप आवर सेल्व्स एंड दैट अंटिल वी अलाउ नॉट ओनली एलिफेंट्स बट ऑल लिविंग क्रिएचर्स देयर प्लेस इन द सन वी कैन नेवर बी होल आवर सेल्व्स। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा हमें प्राप्त होती है कि व्यक्तियों की मानव और हाथियों के बीच कोई दीवार नहीं है सिवाय इसके जो हम खुद बनाते हैं। जब तक हम सारे जीवों को उनके रहने का स्थान प्रदान नहीं करेंगे तब तक हम संपूर्ण नहीं हो सकते हैं। अब बोल देंगे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल के आधार पर आप इसकी व्याख्या करें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं उसको, यस नो डाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन आई लर्न, इसको भी लर्न भी कर सकते हो, इज दैट देयर आर नो वॉल्स बिटवीन ह्यूमंस एंड एलिफेंट्स एक्सेप्ट दोज वी पुट अप आवर सेल्फ एंड दैट अंटिल वी अलाउ नॉट ओनली एलिफेंट्स बट ऑल लिविंग क्रिएचर्स देयर प्लेस इन द सन वी कैन नेवर बी होल आवर सेल्व्स। अब जहां एलिफेंट मैंने कहा है उसको आप हटा के एनिमल कर दीजिए, ये सवाल चार रूपये हो गया। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मैंने यह प्राप्त की कि आदमी और जानवर के बीच कोई दीवार नहीं है सिवाय इसके कि जो हम बनाते हैं। जब तक हम जानवरों को उनके रहने का स्थान प्रदान नहीं करते हैं हम संपूर्ण नहीं हो सकते। आप इसको आंसर करने की कोशिश करिएगा आज के लेक्चर के आपके क्या था। अब हम जैसे हमने टाइगर में समझा था कि बगैर टाइगर के हमारा इकोसिस्टम नहीं हो सकता है, सेम वी कम ऑन द एलिफेंट, विदाउट एलिफेंट्स एंड इकोसिस्टम्स इंटायर बैलेंस इज डिस्टर्ब एंड सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इंश्योर दैट आवर प्लैनेट्स फ्यूचर इंक्लूड्स एलिफेंट इन वाइल्ड स्पेसेस। हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम तब तक संपूर्ण नहीं हो पाएगा और वह पूरी तरह से अव्यवस्थित हो जाएगा अगर हम जंगलों में एलिफेंट के रहने के स्थानों को सुरक्षित नहीं रखते हैं। तो एलिफेंट को मेन थ्रेट किस चीज का है, द मेन थ्रेट टू एलिफेंट्स हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इससे है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ही चीज को मैं अलग अलग भाषा में इस्तेमाल कर रहा हूं, अलग अलग ढंग से इस्तेमाल कर रहा हूं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन किसके द्वारा, बाय ह्यूमंस, आइवरी पोचिंग।
उनके हाथी दांत के लिए पोचिंग करना, आइवरी पोचिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बाय ह्यूमंस, आइवरी पोचिंग, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बाय मैन, बाय ह्यूमंस, आइवरी पोचिंग, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, किस लिए? ड्यू टू कंपटीशन ऑफ सेम लैंड। क्यों होता है? ड्यू टू कंपटीशन ऑफ सेम लैंड। हम एक ही जमीन के लिए आपस में संघर्ष कर रहे हैं, एंड रिसोर्सेस, हम लैंड के लिए भी कंपटीशन कर रहे हैं और रिसोर्सेस के लिए कर रहे हैं। ये चार महत्वपूर्ण चीज है, दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर ये पूछा जाए कि मेन थ्रेट क्या है, तो ये चार थ्रेट है। अब हैबिटेट लॉस क्यों हो रहा है? व्हाट इज हैबिटेट लॉस? व्हाट इज हैबिटेट लॉस? जो उनके रहने की जगह है, वो हैबिटेट लॉस क्यों हो रहा है? अब एलिफेंट्स आर इंक्रीजिंगली बीइंग क्राउडेड ऑफ देयर हैबिटेट्स। अब जब उनकी आप जमीन को कम करोगे, उनके जगहों में आप प्रवेश करोगे, तो एलिफेंट क्या है, अपनी उनकी जमीन कम हो जाएगी, तो क्या है, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। जब आप उनकी पोचिंग शुरू करोगे, तो उनकी संख्या कम हो जाएगी। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के, एग्रीकल्चर के ज्यादा लैंड चाहोगे, तो उनकी जगह कम हो जाएगी। इसलिए उनको जो आज एक बड़ा स्थान मिल रहा है रहने के लिए, वो उनके लिए छोटा स्थान हो जाएगा। तो एलिफेंट के हैबिटेट को चार चीज कम कर रहे हैं। एक, जो आप ज्यादा से ज्यादा खेती करना चाह रहे हो, क्या करो, जंगलों को आप कम कर रहे हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो, जंगल कम कर रहे हो। इससे क्या हो रहा है, उनके रहने की स्थान कम हो रहे हैं और एलिफेंट क्राउडेड हो रहा है। जब एलिफेंट क्राउडेड हो जाता है, तो एलिफेंट एलिफेंट का भी संघर्ष शुरू हो जाता है। तो चैलेंजेस क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द एनिमल्स? तो मेजर चैलेंज क्या है, मेथड क्या, पहला है हैबिटेट लॉस हो रहा है, दूसरा पोचिंग, हैबिटेट लॉस, पोचिंग, डिफॉरेस्टेशन, आप जंगलों को कम कर रहे हो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, पॉल्यूशन, एग्रीकल्चर। तो चैलेंजेस और एनिमल्स को, नॉट ओनली एलिफेंट, द मेजोरिटी ऑफ एलिफेंट एनिमल्स हैव द चैलेंजेस। उनकी पोचिंग हो रही है, उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं रिसोर्सेस का, पोल्यूशन हो रहा है, एग्रीकल्चर के लिए हम जंगलों को खत्म कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। आप पढ़ दो कि शहर बढ़ रहा है, गांव कम हो रहे हैं, शहरीकरण बढ़ रहा है, जंगल कम हो रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही, कृषि के लिए और जमीन चाहिए। इस सारा का सारा उनके हैबिटेट लॉस को कर रहा है। अब इसको हम टू हैंडल दीज थ्रेट्स क्या करना होगा, हमको कंजर्वेशन इफर्ट्स करने होंगे। नेशनल और इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स आर मेकिंग कंटिन्यूअस इफर्ट्स टू डील विद दीज थ्रेट्स। तो हैबिटेट लॉस, तो एक सवाल और क्या हो गया, हैबिटेट लॉस। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ जो 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 मिनिस्ट्री है, जो प्रोजेक्ट एलिफेंट को देख रही है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वो इस पे काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये क्या कर रही है, प्रोवाइड द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू मेजर एलिफेंट रेंजेस, टू मेजर एलिफेंट स्टेट्स इन द कंट्री थ्रू दिस प्रोजेक्ट। एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? अगला सवाल फिल्म का, एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त, 12 अगस्त को इंडिया ने वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया और नोटिफाई किया, अगस्त मनाई, अगस्त 12 रिजल्ट कहां पे है? अगला सवाल फिर आ गया,
जो अगस्त मलाई एलिफेंट रिजर्व है तमिलनाडु में। तो एक सवाल और आ गया कि एलिफेंट के दिवस पर कौन सा रिजर्व इराक इनॉग्रेट हुआ, तो नोटिफाई किया गया अगस्त मलाई एलिफेंट रिजर्व ऑन ट्रस्ट। अब इस सवाल को इससे पूछ सकते हैं कि अगस्त मलाई, देखिए आप बोलेंगे बड़ा कठिन सवाल है, एक बड़ा बेकार सवाल है। सवाल का लॉजिक है, अगर सवाल ये आ जाए कि अगस्त मलाई एलिफेंट रिजर्व किस तिथि को आरंभ हुआ है, 12 अगस्त, 12 सितंबर, 12 दिसंबर, 12 जनवरी। अब आप बोलो बड़ा बेकार सवाल बिल्कुल नहीं है, एक काम का सवाल, क्यों 12 अगस्त को एलिफेंट दिवस मनाया जाता है? अगर आप कॉमन सेंस अप्लाई करोगे कि हाँ तो उसी दिन, अगर आपको एलिफेंट डे याद है इस आंसर का ले आओगे, तो 12 अगस्त को एलिफेंट का दिवस मनाया जाता है। ऑन द सेम डे अगस्त मलाई एलिफेंट रिजर्व जो तमिलनाडु में है उसको नोटिफाई किया गया। अब आते हैं रिजल्ट्स के, रिजल्ट्स, इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हमने जो ऑपरेशन एलिफेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जो 1992 में लॉन्च किया, जब 1992 में लॉन्च हुआ था तो करीब 25,000 एलिफेंट थे। 2017 के सेंसस में करीब 27,000 एलिफेंट होने की बात कही गई। 2022 में कहा गया, 22-23 में कहा गया अपने पास 30,000 एलिफेंट। तो इससे क्या हुआ, एलिफेंट की पॉपुलेशन इंप्रूव। तो जो हमने एलिफेंट के, हमने अब इसका एक आंसर नंबर वन क्या हो गया, एलिफेंट पॉपुलेशन इंप्रूव हुई। आंसर टू क्या हो गया, हमने उनके नेचुरल हैबिटेट को अच्छा से ध्यान रखा, कंजर्व किया। तीसरा क्या हो गया, हमने कई एलिफेंट रिजर्व बनाए। क्लियर? अब चलिए अभी पिछले लेक्चर के आधार पे एक सवाल फिर कर देते हैं। हु इज फंडिंग द प्रोजेक्ट एलिफेंट? ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बी स्टेट गवर्नमेंट, सी यूएनओ, डी ए कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेट्स। तो क्या है, यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न्ड है प्राइमरी नीड टू रिस्टोर द एलिफेंट हैबिटेट्स एंड रिड्यूस सफरिंग ऑफ बोथ एलिफेंट एज वेल एज द ह्यूमन पॉपुलेशन। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, वह एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्लियर? अगला सवाल फिर कर देते हैं, हम कैसे एलिफेंट को हेल्प कर सकते हैं? जो हमने लेक्चर दिया है उसी को हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। हम कैसे एलिफेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रहे हैं एलिफेंट को, उनको आप सपोर्ट करें। सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर वर्किंग टू स्टॉप द इलीगल पोचिंग एंड ट्रेड ऑफ एलिफेंट, उनको आप सपोर्ट करें। दूसरा, सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एलिफेंट हैबिटेट। जो वाइल्ड एलिफेंट हैबिटेट के पूरे क्षेत्र को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग कंजर्व करने का काम कर रहे हैं, उनको आप सपोर्ट करें। थर्ड, सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर बिल्डिंग नेचुरल सेंचुरीज एंड अल्टरनेटिव हैबिटेट फॉर डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स टू लिव फ्रीली। अगर इसको हम नक्सल में कहें तो आप उन ऑर्गेनाइजेशंस और उन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करें जो एलिफेंट के जीवन को, एलिफेंट की पूरी प्रक्रिया को जो पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। कितनी एलिफेंट्स रिजर्व्स इंडिया में है? देयर आर 33 एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया। हाउ मेनी एलिफेंट रिजर्व इंडिया? देयर आर 33 एलिफेंट रिजर्व इंडिया। उसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से, डांडेली कर्नाटका, डांडेली डांडेली कर्नाटका, सिंघभम नागालैंड,
दी कर कर्नाटका सिंह सिंह सिंगपान एलिफेंट रिजर्व नागालैंड, अगस्तिया मलाई तमिलनाडु, अगस्तिया तीन हो गए। डांडेली, सिंगबाम, अगस्त्या मलाई, तराई। अब इसमें यह 32वां है, यह 33वां है। अगर इस लिस्ट को देखें, जो अगस्त मनाई है यह 32nd है, और यह सबसे रिसेंट है तराई। तो अगस्त मनाई एलिफेंट रिजर्व जो लोकेट है तमिलनाडु में, इसको एक डिस्टिंक्शन मिला है 32nd एलिफेंट रिजर्व होने का। यह भी जो अनाउंसमेंट सरकार ने किया है, जो गवर्नमेंट का कंजर्वेशन एफर्ट, जो कंजर्वेशन एफर्ट है ड्यूरिंग जो ने प्रोग्राम हेल्ड किया है एडिपेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला। और क्या हो गया, पेरियार, पेरियार कहाँ पे है, केरला। तो एक सवाल आपको तैयार करना पड़ेगा, कौन सा रिजर्व कहाँ पर है। तो ये हो गया 32वां, ये हो गया 33वां, तो 33वां क्या हो गया, तेराई। अब यह क्या हो रहा है, एलिफेंट रिजर्व, जो एलिफेंट रिजर्व वो क्या कर रहे हैं, रिजर्व क्या करते हैं, यह इनकी पॉपुलेशन को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, यह इनकी पॉपुलेशन में मदद करते हैं, यह हमको ज्यादा से ज्यादा एलिफेंट प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। अगला सवाल, ओल्डेस्ट एलिफेंट रिजर्व कौन सा है, सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व ऑफ झारखंड। अब ओल्डेस्ट, अब न्यूएस्ट हो गया, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट कौन सा है, सिंहभूम झारखंड, झारखंड का सिंहभूम, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट कौन सा है, आपने देखा न्यू, सबसे नया कौन सा, तराई, सबसे पुराना कौन सा है, सिंहभूम रिजर्व ऑफ झारखंड। अब आपको मैं चार पांच लाइन देता हूं जो लिखने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट है। क्रिटिकल एलिफेंट हैबिटाट्स क्या है, ये भारत सरकार के द्वारा यूज किया वर्ड्स है जो पीआईबी में रिलीज किया गया है। क्रिटिकल एलिफेंट हैबिटाट्स डेफिनेशन क्या कर रहे हैं हम, क्रिटिकल एलिफेंट हैबिटाट्स, क्रिटिकल एलिफेंट हैबिटाट्स, ये क्या होता है। तो क्रिटिकल एलिफेंट हैबिटाट्स आर नोटिफाइड एज एलिफेंट रिजर्व फॉर फोकस एंड सिनर्जी इन एलिफेंट कंजर्वेशन एंड टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। हमने क्या परिभाषा बताई, व्हाट इज ए क्रिटिकल एलिफेंट हैबिटाट्स, इट इज ए नोटिफाइड एरिया एज एलिफेंट रिजर्व फॉर फोकस एंड सिनर्जी इन एलिफेंट कंजर्वेशन एंड टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। द नोटिफिकेशन इज कैरिड आउट विद द अप्रूवल ऑफ स्टीयरिंग कमेटी चेयर्ड बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्लियर, लिख लिया। सेकेंड, जो अपने पास, हमारे पास 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं, दे हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन फोर फोर्टीन सॉरी इन 14 मेजर एलिफेंट स्टेट्स। दीज एलिफेंट स्टेट्स सॉरी दीज एलिफेंट रिजर्व्स ओवरलैप विथ टाइगर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रिजर्व फॉरेस्ट विच आर प्रोटेक्टेड अंडर
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 एंड सम अदर लोकल एक्ट्स. द एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आर रेगुलेटेड एज पर द एग्जिस्टिंग एक्ट्स. जस्ट सी अगेन आई एम रिपीटिंग सेम थिंग. जो हमारे पास 33 रिजर्व हैं एलिफेंट के, ये 14 मेजर एलिफेंट स्टेट्स को कवर करते हैं. यह जो हमारे एलिफेंट रिजर्व हैं, ये ओवरलैप करते हैं टाइगर रिजर्व के साथ. और जो हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1972 है और जो अदर एलाइड लॉज हैं, वो कंट्रोल करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को इन एरियाज में, सो दैट एलिफेंट रिजर्व्स एंड टाइगर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन शुड वर्क इन ए वे दैट होल इकोसिस्टम विल हैव द सिनर्जी एंड इट मे बी यूजफुल फॉर द होल प्लेनेट. तो आपका जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, टाइगर है, इसका पर्पस सिर्फ एलिफेंट नहीं है, इट इज फॉर द होल प्लेनेट. अब हम देखते हैं दूसरा क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट. क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट ये कब स्टार्ट हुआ? 1975 में. इट हैज स्टार्टेड 1975. ये क्यों स्टार्ट किया गया? एज ए मेजर टू कंजर्व क्रोकोडाइल इन इंडिया. जो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है वह लॉन्च किया गया था 1975 में. क्यों किया गया? इट इज ए रिजल्ट ऑफ ए कंजर्वेशन प्रोग्राम दैट सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल थे, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये सिर्फ 96 रह गए. ये सिर्फ 96 रह गए इन 1976 में. ये 96 ही रह गए, ये बहुत कम हो गए. और इंक्रीज कर गए हैं 1640 2012 में. तो जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल थे उनकी पॉपुलेशन लगातार हो रही. तो जो 1975 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल लॉन्च हुआ, यह जो डिफरेंट लास्ट के, तो इसमें घड़ियाल, सॉल्ट वाटर, दो घड़ियाल इकट्ठी हुआ करते थे और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का प्रोग्राम था. यह फर्स्ट, यह पहली बार कहां इंप्लीमेंट हुआ? उड़ीसा में. द घड़ियाल एंड द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम, इट वॉज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन उड़ीसा इन अर्ली 1975. उसके बाद सब्सिक्वेंटली द मगर कंजर्वेशन प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड. अब एक साल और आ गया, तीन आस पास हो गए, घड़ियाल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड मगर, तीन स्पेशीज को सुरक्षा करने का काम किया गया. स्टार्ट से हुआ घड़ियाल एंड सॉल्ट वाटर से. कहां हुआ? 1975 में उड़ीसा में हुआ. उसके बाद क्या हुआ? मगर जो तीसरा है, मगर जो कंजर्वेशन प्रोग्राम है उसको इनिशिएट किया गया. अब फिर जैसे हमने एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर को देखा, हम तो फिर देखते हैं क्रोकोडाइल में. व्हाट वाज द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट? द क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1975 इज हैविंग द चीफ ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट द नेशंस थ्री रेयर क्रोकोडाइल स्पेशीज. व्हाट इज क्वेश्चन? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल? प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट द नेशंस थ्री रेयर क्रोकोडाइल स्पेशीज. कौन कौन सी हैं? द फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, घड़ियाल एंड सॉल्ट वाटर. हम फ्रेश वाटर को हम मगर भी कहते हैं. तो अगला सवाल प्रिलिम्स का क्या हो गया? किन तीन स्पेशीज को ध्यान में रखते हुए, किन तीन प्रजातियों को ध्यान में रखते हुए क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ? आंसर क्या हो गया? फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, घड़ियाल एंड द सॉल्ट वाटर. टू इंश्योर दैट द ब्रीडिंग ऑफ दीज स्पीशीज रिमेन कैप्टिव.
क्या क्रोकोडाइल को इंडिया में हंटिंग बैन कर दिया गया है? इन इंडिया द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्रोहिबिट्स द हंटिंग एंड कंजम्पशन ऑफ क्रोकोडाइल। इट इज इलीगल टू ईट और ट्रेड इन क्रोकोडाइल, और आप क्रोकोडाइल का मीट को और उसके मीट प्रोडक्ट को आप बगैर प्रॉपर ऑथराइजेशन के यूज नहीं कर सकते हैं। विच वेयर इज द वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे? 17 जून, 17 जून इज द वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। जैसे आपने हाथी का देखा, टाइगर का देखा, इस डे को कैसे, इस डे को क्या करते हैं? इट इज ए ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन टू हाईलाइट द प्लाइट ऑफ एंडेंजर्ड क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स अराउंड द वर्ल्ड। एक है भीतकनिका, नाम सुना होगा, बड़ा फेमस नाम आता है। यह क्यों फेमस है? व्हाई भीतकनिका इज फेमस? भीतकनिका ने जो नेशनल पार्क है इज फेमस फॉर इट्स मैंग्रोव फॉरेस्ट, और जो दीज मैंग्रोव फॉरेस्ट आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिया एंड आर होम टू सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। द पार्क इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो यह क्यों फेमस है? अब इसी को सवाल को चेंज कर दीजिए कि जो जो भीतर कनिका मैंग्रोव्स है वहां पर कौन से क्रोकोडाइल को कंजर्व किया जाता है? सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर, मगर? आंसर क्या होगा? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो जो भीत कर, जो भीतर कनिका, भीतर कनिका, भीतर कनिका, जो भीतर कनिका मैंग्रोव है, ये क्या है? कंसिस्ट ऑफ द भीतर कनिका नेशनल पार्क, भीतर कनिका लाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गहीरमाता सेंचुरी। वन ऑफ द यूनिक अट्रैक्शन अबाउट द साइट इज दैट इट इज अ नेस्टिंग ग्राउंड फॉर ओलिवर रिडली टर्टल। एक चीज और लिखिए, ओलिवर रिडले टर्टल। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, जो भीतर कनिका मैंग्रोव्स है एक कंसिस्ट करता है भीतर कनिका नेशनल पार्क, भीतर कनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गरी माता सेंचुरी। वन ऑफ द यूनिक अट्रैक्शन अबाउट द साइट इज दैट इट इज द नेस्टिंग ग्राउंड फॉर ओलिव रिडले टर्टल। तो आपको दो चीज मिली यहां पे, एक क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन क्या होता है? क्रोकोडाइल क्या होता है? ये सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल होता है, यह बच्चे देता है एक के माध्यम से। सारे क्रोकोडाइल की लाइफ स्पैन है 30 से 40 साल होती है। अगर हम लाइफ स्पैन देखें क्रोकोडाइल को, तो लाइफ स्पैन क्रोकोडाइल की एक अच्छी खासी होती है। अब आप क्रोकोडाइल, टाइगर, एलिफेंट देखिए, अब आप एक गिर लाइन प्रोजेक्ट भी देखिए। गिर लाइन प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट टू एशियाटिक लायन टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन एंड टू सेव देम फ्रॉम बीइंग इंस्टिंक्ट। तो आप चार प्रोजेक्ट के साथ देख रहे हैं। अब गिर लाइन सेंचुरी कब स्टार्ट हुई थी? यह 90। अब हम ये चौथा लाइन देख लेते हैं, गिर लाइन, यह कब स्टार्ट हुआ था? यह 1972 में स्टार्ट हुआ था। इट इज बीइंग रन बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोजेक्ट टाइगर का हुआ था अप्रैल 1, 1973 में। अब देखते जाइए कि कौन गिर, जो गिर लायन सेंचुरी प्रोजेक्ट है यह 1972 में हुआ, यह प्रोजेक्ट टाइगर के पहले हो गया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? अप्रैल 1, 1973 में स्टार्ट हुआ था। अब जो जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो क्या था? सेव प्रोजेक्ट को था, जो लॉन्च किया गया था पहली बार कहां पे? जिम कॉर्बेट में, जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, उनके लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था। तो जो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर क्या था? सेविंग रॉयल बंगाल टाइगर फ्रॉम गेटिंग इंस्टिंक्ट। नाउ कंपेयर दिस विद द प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल एंड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट लायन। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल ने कौन इनिशिएट किया था? इट वॉज इनिशिएटेड बाई यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड पुलवामा
food and agriculture of 1976. See the difference. I'm taking a very minute difference in these two, three, four programs. Project Lion, Project Tiger, Project Crocodile. तो प्रोजेक्ट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, इनिशिएटेड था यूनाइटेड नेशंस, यूएनडीपी प्रोग्राम था, यूएनडी प्रोग्राम था, जो यूएनडीपी का प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का है, और जो फूड एग्रीकल्चर का है 1976 में। अब इसने इंक्लूड क्या किया था, इट इंक्लूडेड एन इंटेंसिव कैप्टिव रेयरिंग एंड ब्रीडिंग प्रोग्राम इंटेंडेड टू रिस्टोर टू रिस्टोर डिप्लीटेड घड़ियाल हैबिटाट। अब फिर सवाल मैं चेंज करता हूं, सवाल को फिर कहता हूं कि जो ऑपरेशन क्रोकोडाइल है किसने इनिशिएट किया और क्यों इनिशिएट किया 1976 में, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया, इसने इंक्लूड किया इंटेंसिव कैप्टिव रिवरिंग, इंटेंसिव कैप्टिव रियरिंग एंड ब्रीडिंग प्रोग्राम इंटेंडेड टू रीस्टॉक डिप्लीटेड घड़ियाल हैबिटेट्स। अब दूसरा देखिए राइनो, एक और देखिए राइनो, राइनो जो इंडियन राइनो विजन 2002 है, वॉज लॉन्च इन 2005। इंडियन राइनो विजन 2002 होते हैं आई आर वी 2020। इट वॉज लॉन्च इन 2005 फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द राइनो। इस प्रोग्राम का एम क्या है, एम ऑफ दिस प्रोग्राम टू इंक्रीज द टोटल राइनो पॉपुलेशन आसाम टू अबाउट 3000। ये 2020 तक 3000 आसाम में करने का लक्ष्य रखा गया। तो जो इंडियन राइनो प्रोग्राम है आईआरवी 2020 जो लॉन्च हुआ था 2005 में, इसका लक्ष्य क्या था, इस प्रोग्राम का एम क्या था, तो इंक्रीज द टोटल राइनो पॉपुलेशन इन आसाम। इसको आप याद रखिएगा, आसाम याद रखिएगा, इन आसाम। अब इसको आसाम इंडिया अलग कर देंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, आपने एक शब्द मिस किया आपका सवाल गया। What is the difference between the Project Tiger and Project Elephant? Why these two projects have been merged? आप इसको भी एक सवाल के रूप में तैयार करिएगा। जो एलिफेंट है, रेंज ओवर मच लैंड स्केप्स आर मच लेस विजिबल एंड arguably have a much more direct mutual impact on the landscape than tiger. जो हमारा हाथी है वह टाइगर के तुलना में आदमियों से ज्यादा संघर्ष करता है। तो डिफरेंस क्या है कि हमको एलिफेंट के प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा लैंडस्केप चाहिए और इससे आदमियों का जो संघर्ष है ज्यादा होता है टाइगर की तुलना। तो पहला डिफरेंस क्या है कि हमारी जो चाहत है प्रोजेक्ट टाइगर के और प्रोजेक्ट एलिफेंट पे, एलिफेंट पे हमको ज्यादा लैंडस्केप चाहिए। जो हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया टाइगर एलिफेंट, इसका निष्कर्ष क्या निकला, टाइगर्स और एलिफेंट्स दोनों शेयर द सम हैबिटेट्स, टाइगर्स एलिफेंट डू शेयर सम हैबिटेट्स, बट जो कंजर्वेटिव होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, दे ओवरलैप इज नॉट सिग्निफिकेंट इनफ टू मर्ज। जब देखिए ये प्रोजेक्ट को मर्ज करना ठीक है नहीं था, तो पहला एक आप और सवाल को ध्यान देखिए कि जो प्रोजेक्ट मर्ज किए गए एलिफेंट टाइगर क्या वो ठीक थे। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो टाइगर्स एंड एलिफेंट्स वो शेयर करते हैं सब हैबिटेट, इट्स ट्रू, बट जो जो अपने पर्यावरणविद है जो कंजर्वेशनिस्ट क्या बोलते हैं, ओवरलैप इज नॉट सिग्निफिकेंट इनफ टू मर्ज द प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट। जो कंजर्वेशनिस्ट हैं, जो पर्यावरणवादी हैं, दे आर कंसर्न दैट मर्जर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट विल लीड टू लॉस ऑफ फोकस ऑन स्पेसिफिक स्पेसीज।
खासकर एलिफेंट पे, क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट दोनों जानवरों के काम करने का रहने का ढंग अलग अलग है, दोनों सेम नहीं हो सकते हैं, दोनों में फर्क है। एक पेरियार नेशनल पार्क पे सवाल बहुत आता है कि जो पेरियार नेशनल पार्क है, वाइल्ड सेंचुरी है, वह एक प्रोटेक्टेड एरिया है। वो लोकेटेड कहाँ पे? केरला में है। यहाँ पे क्या है, इट इज ए नोटेबल, अब इसको ध्यान दीजिए, इट इज नोटेबल एज एन एलिफेंट एंड टाइगर रिजर्व। एक सवाल ये आप ये तैयार करिए, कौन कौन सी ऐसे रिजर्व है जहां पर एलिफेंट और टाइगर दोनों है? तो जो आपका पेरियार है, पेरियार में एलिफेंट भी है टाइगर भी है। तो एक सवाल क्या हो गया, विच नेशनल पार्क हैज बोथ टाइगर एंड द लायन? तो टाइगर्स एंड लायन। दूसरा क्या है, एक है ठाकुरकोवा शिमोगा, कर्नाटका में है, ठाकुर कोवा शिवमोगा, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पर दोनों है। तो मेनी प्रोजेक्ट लाइक प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैव बीन स्टार्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट दीज एंडेंजर्ड स्पीशीज। प्रोजेक्ट राइनो वॉज लॉन्च इंडिया इन 2025 टू फॉर द वन हॉर्न राइनोज। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज ए प्रोग्राम लॉन्च इन 1973 फॉर द रॉयल एंड बंगाल टाइगर। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो राजस्थान का है, उसको 2013 में शुरू किया गया है। यह कुछ इनपुट, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा इंडियन बस्टर्ड नहीं रह गए थे। इंडियन बस्टर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यह कहां मिलता है? राजस्थान। यह भी इनडेंजर्ड स्पीश हो चुका है, बोलते हैं वर्ल्ड में 200 से कम रह चुका है और 100 के आसपास राजस्थान में ही है। यह राजस्थान का स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया गया। अब यह खत्म क्यों हो रहा है? एक तो इसकी हंटिंग हो रही है, दूसरा इनका वजन ज्यादा होता है, 15 से 20 किलोमीटर का होता है। तो जब ये उड़ते हैं तो जो सामने इलेक्ट्रिक का तार पड़ता है, अगर विंडमिल चलती है, उसको देखकर ये अपना रास्ता बदल नहीं पाते हैं। तो अपने वजन के कारण ये जाके टकरा जाते हैं और ये खत्म हो रहे हैं। इसको राजस्थान सरकार ने आरंभ कर दिया है कि इसके संरक्षण का उपाय किया जाए। तो सरकार इसको संरक्षण का उपाय कर, तो आपके चार हो गए, टाइगर, लायन, क्रोकोडाइल, एलिफेंट और पांचवा ग्रेट इंडियन बस्टर। अब देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है जो आखिर जो आपका एंट्री नंबर 15 है स्टेट लिस्ट का। आप एंट्री नंबर 15 देखिएगा, 7th शेड्यूल, एंट्री नंबर 15 स्टेट लिस्ट का। ये बात किसका करता है? ये बात करता है रिजर्वेशन प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट। बात किसी करता है? प्रिजर्वेशन, आप जो पढ़िएगा, प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट, प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल। डिसीज एंड वेटनरी ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी इसी एंट्री के कारण हर राज्य का जो कानून है एनिमल्स को लेकर अलग अलग है। अगर आप देखें, काउ प्रोटेक्शन का कानून जो उत्तराखंड में है, जो यूपी में है, जो कर्नाटका में है, जो मध्य प्रदेश में है, अलग अलग। तो एंट्री नंबर 15 7th शेड्यूल इसमें इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरा, मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट एंट्री नंबर 17, 17A एंड 17B। जो एंट्री नंबर 17 है, बात करती है प्रिवेंशन एंड क्रुएल्टी।
किसका? एनिमल्स का। 17A बात करता है फॉरेस्ट का, और 17B बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स। यह 17 शुरू से ही कॉन्करेंट लिस्ट था, लेकिन 17A और 17B यह 42nd अमेंडमेंट से स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट किया गया, ताकि राज्य और केंद्र दोनों इस पर कानून बना सके। तो आपको चार चीजें याद रखेंगे, जो आपके राज्य सूची का एंट्री नंबर 15 है और कॉन्करेंट लिस्ट का 17, 17A, 17B। अब आप आइए अपने डायटे प्रिंसिपल्स के आर्टिकल नंबर 48 पे। हमने उसको पढ़ाया था, जब हम पढ़ा रहे थे आपको टाइगर का प्रोटेक्शन, यू सी द आर्टिकल 48 एंड 48A, 48 एंड 48A, ये दोनों बात करते हैं। तो 48 बात करता है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री का, आपके संविधान में डाला गया है फ्रॉम द 42nd अमेंडमेंट। 48 किस बात करता है? प्रोटेक्शन, इंप्रूवमेंट किसका? फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ। अगर आप दोनों आर्टिकल को पढ़ें तो आपको दिखेगा कि कैसे यह 48 और 48A आपके एनवायरनमेंट के लिए संविधान में डाले गए हैं। उसके बाद फिर अगला देखिए 51AG, जो बात करता है कि हर आदमी का कर्तव्य है वह एनवायरनमेंट का, फॉरेस्ट का, लेक का इंप्रूवमेंट करे। आप कोई भी सवाल वाइल्ड लाइफ पे, क्लाइमेट चेंज पे, टाइगर पे, एलिफेंट पे, क्रोकोडाइल पे, नील बस्टर्ड पे, लायन पे आप हैंडल करें, इसको आप जरूर लिखें। 15, 17, 17A, 17B, ये है आपका स्टेट लिस्ट एंट्री है, ये आपकी है कॉन्करेंट लिस्ट एंट्री। आप इसको कहीं अपने कॉपी में लिख लें और इसको याद कर लें। एक दो तीन ये चार ये हो गए जो एंट्रीज है आपकी, ये आपके दो आर्टिकल हो गए, ये आपका फंडामेंटल, दो एक तीन, एक तीन और चार, तीन सात, सात जो आपके पास संविधान में प्राविधान है उसको आप लिख लें, उसको आप जरूर लिखें। जब भी सवाल आवे कि क्या किया गया है, क्या किया जाए, जितने भी हमारे कानून बनते हैं वह इनको ध्यान में लेकर बनते हैं। तो आपका पूरा हो गया प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल एंड प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट।